देखिए हमारी यात्रा जारी है सत्य की खोज में, कह लीजिए सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। ये पांडवों का जो समय कुछ यहाँ पर बीता है, पांडव खोली जिला अल्मोड़ा में, उसकी सत्यता को अनुभव करने के लिए उसका हम अपने विदेशी अमेरिकी मित्र के साथ पहुँचे हैं। अभी आधा घंटे पहले हमें कनाडा के मित्र मिले, तो कनाडा वालों से हमारी अच्छी बातचीत हुई, इनकी मुलाकात हुई, परिचय हुआ। तो इसी तरह ये यात्रा में कुछ खट्टा मीठा सभी प्रकार का अनुभव हमें आ रहा है। अभी ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई है रानीखेत से, काफ़ी आगे हम आए हैं दूनागिरी, और दूनागिरी ट्रैकिंग है ये 3 किलोमीटर की पांडुखोली। वापसी में हमको गुफा के दर्शन होने वाले हैं, उसमें भी 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग बताई गई है। देखिए हमारे पहाड़ में इन्होंने जाना स्वीकार किया, समुद्र किनारे रहने वाले किस सत्यता की खोज में चल रहे हैं देखिएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। कैसा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मीटर स्ट्रेट ट्रैकिंग टू पांडुखोली, मी एंड माई अमेरिकन फ्रेंड कुशा, लेट मी आस्क यू अ वेरी वेरी लिटिल क्वेश्चन। मे 1% यू आर बिलीविंग सच एज लाइक दिस इज मे बी अ हिस्टोरिक प्लेस, मे बी वी हैवन गॉन टू द एक्चुअल टेम्पल येट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इट्स गोना बी स्पेशल, सो I think that's a better question to ask toward the end. Okay, let me start now our journey. Let's do it. Restart. Thank you, sir. Thank you. एंट्रेंस गेट स्वर्गपुरी पांडुखोली, ओम नमः शिवाय। एंट्रेंस गेट पथ भ्रमण संघ रानीखेत महंत टेंपल प्रीस्ट यानी मे नेम बलवंत गिरी आश्रम सेवा समिति। ये एंट्रेंस है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने एक सवा से 1.5 घंटे की ट्रैक किया है यहाँ पर, टोटल ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। हमारे साथ अमेरिकी मित्र भी हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, और आपको सबको रूबरू कराएंगे यहाँ से। जुड़ रहिए, जय माता की। Where I'm from, I live at the sea level. Well, so this elevation, it makes me run out of breath very quickly because we're so high up. वो तो किनारे बीच में ही घर, बीच में ही सब जन्नत, तो उधर कभी हिल्स में देखा ही नहीं, लेकिन जानने की इच्छा है, तभी तो है हो रहा है। क्यों आइसलैंड के घर चलो, बहुत हम पांडुखोली के पास में पहुंच चुके हैं। देखिएगा पांडव का इतिहास रहा है, हाँ ये अब हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो मित्रों इस तरह हमने अपनी यात्रा संपन्न की है, बगवाली पोखर जाना है अभी। अभी हम पांडुखोली से निकल रहे हैं, मेरे पीछे मेरे मित्र हैं, देखिएगा उन्होंने आज काफ़ी अध्ययन किया सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और हमारा जो भी है कल्चर, इसको बड़े आत्मसात किया है उन्होंने, बड़े बारीकी से चीज़ों को देखा है, समझा है। और 3 किलोमीटर का ट्रैक उन्होंने
काफ़ी परेशानी भी आई उनको, क्योंकि वो समुद्र किनारे रहे, वो रह आज तक रहे हैं, आज तक उनको ऐसा पहाड़ में चढ़ने का, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में आने का कोई अनुभव नहीं था। तो आज पहली बार उनको पर्वत के ऊपर स्वर्गाश्रम के दर्शन कराए, स्वर्ग ही था वो मानो स्वर्ग ही था। हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिली वहाँ से। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को धन्यवाद, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। दिस मच ओके कुछ ओके हाउ यू फीलिंग नाउ वेरी गुड ओके सॉरी ओके ओके गुड एंड अ लॉट ऑफ मेंबर्स यू गॉट इन द योर ऑन द वे न्यू फ्रेंड्स या Now you are sufficient, it's sufficient and very satisfaction for you and we will reach happy. We will reach next destination. हेलो मित्रों, मैं आज यहाँ से निकलेंगे, हम अल्मोड़ा में पहुँचे थे, आप सबको पता है ये पवन होटल के स्वामी हैं, यहाँ पर चलाते हैं तो इनके यहाँ हम रुके, बहुत अच्छा यहाँ का एकोमोडेशन है। और ये हमारे ये राजूदा है, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, इनको हमने मंदिर में इनवाइट भी किया है और ये हमें मिलेंगे वहाँ पर। तो बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपसे और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो मित्रों फाइनली हम अल्मोड़ा के 12 किलोमीटर आगे कछार देवी पहुँच चुके हैं। कछार देवी देखिए, ये बोर्ड मिला है हमें, देखिएगा स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, रुके थे, ध्यान किया था, योग तपस्या किया था, सब उनके बारे में लिखा हुआ है। ये हिस्ट्री यहाँ की लिखी हुई है, कहानी इतिहास लिखा हुआ है। देखिए हम एंट्री कर रहे हैं, कछार देवी का प्रवेश द्वार है, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये पूरी कहानी यहाँ लिखी है। ये दिस वन कुसा, ये चुंबकीय मैग्नेटिक पावर वाला क्षेत्र है, ये कुछ या मैग्नेटिक या चल देखते हैं आगे। और अब कसार देवी मंदिर से हम उतर रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है, ये इसी स्पेशलिटी है। शांति मिलती है ऐसी जगह में यात्रा करके, आप लोग भी इधर का मूड बनाएं, यहाँ के बारे में जानें। विवेकानंद का स्थल है ये, स्वामी विवेकानंद जी का, मिलते रहेंगे आपसे।
पानी के अंदर ही लपेट लेंगे, पत्थर समझ के ले जाएगी। अब वो माइक में क्यों बोल रहा है? आदियो वाला, आदियो जंगलात वाला अंदर डाल देंगे, इतने आर को जितने हो उतने अंदर डाल जाओगे। समझा भी रहे हैं फोटोग्राफर, समझा भी रहे हैं, हटो यहाँ से करके। पाले जाते हैं और भाई दसी हो इनका साला, यही कुछ नहीं है इनका। अरे पक्षी नहीं मार सकते यहाँ पर तुम्हें, अगर मारे फोटो बनाकर करके ना यही चल जाएगा। तो रास्ता नहीं दे रहे भाई, जाने दे उसको। और आज 3 जून को हमारे कुशा जी एक जंगल की यात्रा हमारे पैगंबर सेठ के साथ करके आए हैं। जंगली जीवन कैसा होता है, एक हल्की झांकी पैगंबर जी के साथ में करके आए हैं। काफ़ी वाइल्ड लाइफ का इनको एक्सपीरियंस आज मिला है पहली बार, और काफ़ी नया सीखने को मिला है इनको। देखिए, जय माता की। सर आप यू एंटर्ड इन द डीप जंगल एंड व्हेन यू केम आउटसाइड हाउ मच यू फील लाइक द इनसाइड आवर एनवायरनमेंट अबाउट आवर वाइल्ड लाइफ? राइट, या इट वाज ब्यूटीफुल। वी वेंट टू द केव, वी सॉ एन ओल्ड केव, वी सॉ पीकॉक्स, बिग मंकीज, what else did we see? More, oh, a bunch of birds. Okay, it was wonderful. Yes, that's right, big caves. You enjoyed very much, very much. Okay sir, thank you.